साथियों, तमिल लिटरेचर से हमें अतीत के ज्ञान के साथ ही भविष्य के लिए प्रेरणा भी मिलती है। तमिलनाडु के पास तो ऐसा लिटरेचर है जिसमें से काफी कुछ 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जैसे कि संगम लिटरेचर से पता चला कि एंशियंट तमिलनाडु में कई तरह के मिलेट्स श्री अन्न उपयोग में लाए जाते थे। प्राचीन तमिल साहित्य अग्नानुरु में मिलेट्स के खेतों के बारे में लिखा गया है। महान तमिल कवित्री अवैयार अपनी एक सुंदर कविता में स्वादिष्ट वर्गु अरिसी छोरू इसके बारे में लिखती हैं। आज भी अगर कोई ये पूछता है कि भगवान मुरुगन को नैवेद्य के रूप में कौन सा भोजन पसंद है, तो जवाब मिलता है तेनुम तिने वामुम। आज भारत की पहल पर पूरी दुनिया मिलेट्स की हमारी हजारों वर्ष पुरानी परंपरा से जुड़ रही है। मैं चाहूंगा कि आज हमारा एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन मिलेट्स से भी जुड़ा हो। हमारा रिजोल्यूशन होना चाहिए कि मिलेट्स को हम वापस अपने खान पान में जगह देंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।